नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं फिर से एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नया कार्यक्रम लेकर। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्सियत मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि निकाय चुनाव में इनकी क्या तैयारियां रहेंगी, पार्टी के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से निकाय चुनाव को लड़ने की तैयारी की जा रही है, किस तरह का प्रत्याशी होगा। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं निर्मल सिंह सागर जी, जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं। निर्मल सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव की तैयारी किस तरह से लेकर चल रहे हैं आप। निकाय चुनाव की तैयारी हमारी लगभग इस समय 95% के लगभग पूरी है। हमारे जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी एकमात्र नेता हैं, उनका दिशा निर्देश आया है और प्रत्येक जिले पर एक पैनल के माध्यम से जोन इंचार्ज और नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को नियुक्त किया गया है। लगभग 6-6 लोगों की टीम प्रत्येक नगर पंचायत पर, नगर पालिका परिषद पर बनाई गई है और वो लोग उसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद में उनके 5-5, 6-6 जो पैनल बने हैं उसके साथ में उनको जो है टिकट का वितरण किया जा रहा है और जो जिसका भी टिकट फाइनल होगा नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर, वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से होगा। और इसमें जो भी विधानसभा का हमारा कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर का कार्यकर्ता, विधानसभा का कार्यकर्ता, सबको इस चुनाव में लगाया है। पूरी ताकत के साथ में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत समय बाद और पहली बार मतलब चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में उतरी है और अपना सिंबल अपने कार्यकर्ताओं को सौंप रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरह से इस चुनाव में एक चुनौती भरा चुनाव होगा, उसे कैसे सामने लिया जाए? इसका सामना इस प्रकार से किया जाएगा क्योंकि पब्लिक की इस समय डिमांड थी, कार्यकर्ता की डिमांड थी कि ये चुनाव केवल समर्थन से लड़ा जाता था कि इस समय जो सिंबल से लड़ा जाए। इस समय एक आम आदमी जो कि एक आम नागरिक है, वो जो है बीजेपी की ने जो वादे किए थे उससे इतना परेशान हो चुका है और उनके झूठ के द्वारा आज पब्लिक ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। और एक जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख रखी है, आज आप पेपर में पढ़ लीजिए, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हत्या, बलात्कार, लूट और इतनी अति हो चुकी है कि एक आम नागरिक अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। और केवल बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी लीडर है जो इस कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से सही कर सकती है। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता थे वो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ गए और ऐसे में एक बीच मझधार में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है, तो उसे किस वे में लेंगे? देखिए, ये एक समय होता है, कुछ लोग साथ छोड़ते भी हैं, ये चुनावी माहौल है। और अभी इस समय डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद और जनपद मुरादाबाद की बात कर रहा हूं कि बहुत से दिग्गज चुनाव के पास आते, नामांकन के साथ आते, 4 तारीख से 10 तारीख तक नामांकन रखा गया, उसमें और पार्टियों के काफी दिग्गज नेता हमारे साथ आ रहे हैं और इसमें ज्यादा फर्क किसी से नहीं पड़ता है। और बहन कुमारी मायावती जी हमारी लीडर्स हैं, उनके दिशा निर्देश पर केवल काम किया जा रहा है। जिस तरीके से देखें, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर बन गया, उस वोटर को वापस लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के द्वारा क्या कोई नई रणनीति तैयार की गई? नई रणनीति तैयार हुई है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है और बिल्कुल धरातल पर कार्य किया रहा है। जितने भी टिकट का वितरण है ये किसी लीडर के द्वारा नहीं किया रहे, जो हमारे सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ता है, जो जब वोट पड़ता है, जब वहां पर खड़े रहते हैं, उनके सर्वे के अनुसार और उनकी मांग पत्र को लेकर के और एक एक उन पर जो समर्थन लेटर पर उनके साइन करा करके जब उसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, ताकि हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी तरीके से नाराज न हो और जो हमारा बेस वोट है वो बिल्कुल एक स्तंभ के साथ में बहन कुमारी मायावती के साथ और हाथी के सिंबल के साथ आज भी खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कोई खास और तैयारी की जाएगी कि किस तरह का प्रत्याशी मुरादाबाद मेयर की सीट पर उतारा जाएगा? अभी इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि 1 और 2 दिन का समय हमारे मेयर का तैयारी में लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिया है, समाजवादी ने कर दिया है कि हम प्रत्याशी हमारा ऐसा होगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो परचम है वो मेयर के चुनाव में 101% लहराएगा। तो ये थे हमारे साथ में निर्मल सिंह सागर जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ में बेबाकी से रखी है। अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी आने के बाद में जनता उस प्रत्याशी पर कितना अपना भरोसा जताती है और किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।